कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण करीब 62 दिनों से बंद देश की घरेलू उड़ान सेवा को केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सोमवार से शुरू कर दिया गया। सोमवार को देश में घरेलू उड़ान सेवा के शुरू होते ही जबलपुर में भी फ्लाइट का आवागमन शुरू हो गया। सोमवार को दिल्ली से स्पाइस जेट का विमान दोपहर लगभग 1:40 पर जबलपुर के डुमना विमानतल पहुंचा और यही विमान शाम 4 के आसपास डुमना एयरपोर्ट से 22 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। कोरोना संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही विमान कंपनी, एयरपोर्ट प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियों सहित एयरपोर्ट स्टाफ को उचित दिशा निर्देश जारी किए थे। विमानतल पर यात्रियों के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। फ्लाइट से आने और जाने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंस के नियम भी लागू किए गए। इस दौरान विमानतल पर एयरपोर्ट अथॉरिटी व जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। सोमवार को जबलपुर एयरपोर्ट पर सिर्फ दिल्ली से आने वाली और दिल्ली जाने वाली उड़ान का ही आवागमन हुआ, बाकी सभी उड़ानें कैंसिल रही। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।